चल यमुना गंगा उच्छल जल जिकर अंगा कब शुभ नामे जागे कब शुभ आशीष मांगे नारे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम योजेदारान कार्य अध्यक्ष तमामी विंग सेल के अध्यक्ष तमामी योजेदारान मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शेख रशीद साहब की जानिब से और मेरी जानिब से हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज पूरा देश जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है। 75 साल आजादी को मुकम्मल आज हो रहे हैं और ये बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क हो हमारा देश है, हिंदुस्तान है। और दुनिया के अलग अलग मुमालिक जब उनकी घटना बदलते हैं, जब वो देश सेकुलर बनता है, जैसे हमारे सामने एक मिसाल है नेपाल की, तो हिंदुस्तान में आकर वो सीखते हैं कि हिंदुस्तान कैसा जमहूरी मुल्क है, यहाँ का निजाम कैसा चलता है, यहाँ का सिस्टम कैसा चलता है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अगर आज की हुकूमत या आज के इक्तदार के लोग अगर इसका क्रेडिट लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज से 75 साल पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे उलमाओं ने, हमारे उस वक्त के नेताओं ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए जो कुर्बानियां दी, अपनी जान की कुर्बानियां दी, अपनी माल की कुर्बानियां दी, कई सालों तक अंग्रेज हुकूमत ने जेल के अंदर उनको कैद किया और उसके बाद जाकर हम लोगों को मुकम्मल आजादी मिली। लेकिन आज जो इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर चल रहा है, ये बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज से 75 साल पहले जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, जो सभी समाज सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ये देश को आजाद किया था, लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। और हमको जब बाहर के ममालिक जब हमारे मुल्कों के ताल्लुक से जब बात करते हैं या इंटरफेयर करते हैं तो हमको दुख होता है कि एक समाज के साथ नाइंसाफी मुल्कों के अंदर हो रही है। तो बाहर के मुल्कों को बोलना पड़ता है कि नाइंसाफी ना किया जाए, जुल्म जस्ती ना की जाए। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो दिन भी हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों को, मालेगांव शहर की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम लोगों को ये अहद करना है, ये संकल्प लेना है कि ये मुल्क का संविधान को बचाने के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हम सबको आवाज उठाना पड़ेगी और ये देश को मजबूत करना है, इस देश के संविधान को मजबूत करना है। आज वक्त की जरूरत है। आप लोग देख रहे हैं
कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब ने 1.5 महीना पहले ये कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि मुल्कों के अंदर सेकुलर पार्टियों को दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये मुल्कों के लिए ठीक बात नहीं है। सेकुलर पार्टियां भी मजबूत होना चाहिए, इक्तदार के लोग भी मजबूत रहना चाहिए, जब जाकर ये मुल्क चलेगा। इससे पहले भी 2018 में 4 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। ये कभी इस 75 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो आज इस मुल्क के अंदर 2014 के बाद से हो रहा है। तो आज सिर्फ हम लोगों को, मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज भी ये मुल्क सेकुलर है, आज भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आवाम है वो सेकुलर है। उसकी दलील ये है कि 2014 में, आज के इक्तदार के लोग 2014 में भी इक्तदार में थे तो उनको सिर्फ वोट जो मिला था 31% वोट सिर्फ मिला था, 31%, और 71% वोट आज के इक्तदार के लोगों के खिलाफ में इस मुल्क की आवाम ने वोट दी थी। अलग अलग सेकुलर पार्टियों को वोट मिला था और 2019 के अंदर जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अगर आप उस वक्त का भी वोट परसेंटेज आप अगर देखोगे तो उनको 37% वोट मिला है, सिर्फ 37%, और 63% आवाम ने उनके खिलाफ में वोट दिया है। तो इसका मतलब 2014 में भी 2019 में भी ये मुल्क की आवाम ने आज की सरकार के खिलाफ में वोट दिया। इसका मतलब इस देश के अंदर आज भी जमहूरियत जिंदा है, आज भी लोकतंत्र जिंदा है, आज भी संविधान को मानने वाले जिंदा है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, हुकूमत आती है और हुकूमत जाती है, लेकिन आवाज उठाना वक्त की जरूरत है। इस मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो हमारे उलमाओं ने, जो हमारे नेताओं ने उस वक्त के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज सब धर्म के लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, आज वक्त की ज़रूरत है कि आज उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इस मुल्क को बचाना आज वक्त की ज़रूरत है। आज अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो वो देश दुरही हो जाता है, देश के गद्दार हो जाते हैं, और जो सरकार की हिमायत में बोलता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तुम देशभक्त हो। सर्टिफिकेट मिलता है देशभक्ति का। बहरहाल आज कोई हम खलल पैदा नहीं करना चाहते सरकार की पॉलिसी पर, क्योंकि ये देश एक होना रहना चाहिए, ये देश हम सब का है, सब हिंदुस्तानियों का है, लेकिन जब वक्त आएगा तो ज़रूर ये सारी बातें हम लोग आगे बोलेंगे। बहरहाल आज मैं तमाम ही लोगों को, 75 साल मुकम्मल हुए हिंदुस्तान की आज़ादी को, मैं आज 15 अगस्त इस आज़ादी के दिन पर आप तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और इस मुल्क के अंदर एकता कायम रहे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद।